और दूसरी तरफ मजबूरियां तो आपकी भी दिख रही है ना सर, ईमानदार अरे सुनिए निष्ठावान है उन लोगों को हम जगह देंगे गौरव जी, नए विचारों के साथ हमारे मंत्रिमंडल में। गौरव जी जो मजबूरियां आप उनकी गिना रहे हैं वो आपकी भी दिख रही हैं। आप यूपीए 3 थोड़ी हैं या यूपीए 4, आप एनडीए हैं ना। आप बताइए पशुपति पारस को आपने मंत्री बना दिया कैबिनेट स्तर का, काबिलियत की वजह से ढूंढ के लाए पारस, बिहार का पारस, अपना दल से आप मंत्री बना रहे हैं तो ये सब क्या काबिलियत की वजह से ढूंढ ढूंढ के ऐसी काबिलियत का भंडारा आपको मिल रहा है। जेडीयू से आरसीपी सिंह को आप बना रहे हैं तो क्या उनकी काबिलियत की वजह से है? तो आपने मैं उत्तर दे रहा हूं। और सर एक और चीज मैं भी बोल दूं, एक सेकंड गौरव जी अब कह रहे हैं सारे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस से होके आ जाएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, बीजेपी में खटते रहेंगे नहीं मिलेगा, बारी नहीं आएगी। सिलेबस के बाहर के सवाल पूछनी आज अंजना जी आपसे, बड़ी नाइंसाफी। चलिए वो तो राहुल गांधी का कोई सिलेबस ही नहीं है, अगर कक्षा 5 का भी आप सवाल पूछ ले बेचारे पता ही नहीं। चलो इसका जवाब दीजिए, जवाब दो। राहुल गांधी मत समझिए सबको, अरे जवाब दीजिए। अरे आप मैडम टीचर अंजना जी ने मुस्कुराहट के साथ बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दूंगा लेकिन आप मैडम नहीं है। राहुल गांधी को आप ये डंडा दिखा के काम ले सकती हैं, भाजपा का प्रवक्ता आपको ठीक करना जानता है मैडम प्लीज। देखिए अंजना जी आपने कहा ठीक, सवाल भूल गए, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर से कहूंगा तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, इतना ना मुस्कुराओ। अरे राहुल गांधी पे मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी पे क्यों चर्चा करते हो। तो ठीक है डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में खराब निकला, कोच फैक्ट्री की गलती है, जाके गांधी परिवार से कहिएगा। अब शांत रहिए अंजना जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं उत्तर दे दूं। आपने कहा कि जेडीयू से, एलजेपी से, अपना दल से जो नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनमें क्या योग्यता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप याद करिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव